गाइस, न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर शाया की है जिस खबर के मुताबिक दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्रीज की लिस्ट जारी की गई जिसमें सैरे फेरिस्त इंडिया का नाम था। और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हो रही है, यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरतहाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, यूएसए, चाइना, जापान, इन सबको पीछे छोड़कर इंडिया सैरे फेरिस्त आई हुई है। IMF बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझे ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसएंगेजमेंट हो रही है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने भी और उनके जो सपोर्टर्स आए हुए थे उन्होंने अच्छे रवैये का मुजाहरा नहीं किया। वो हजरत अली का कॉल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमें तवक्को नहीं थी यहाँ पर आकर उनके प्लेयर्स ट्रेनिंग लेते। हमारा नहीं ख्याल था कि ऐसा होगा। पता नहीं अफगानिस्तान टीम को क्या हो गया, किस चीज की उनमें आकड़ आ गई है, ना उनको मैं कहता हूँ बल्ला पकड़ना आता है और उनको सिखाने वाले भी हम लोग ही हैं। जबकि जापान में जयशंकर और राजनाथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो मौजूद है और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के। इंडिया की जो उनसे GDP है, जो उनसे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके मुताबिक इंडिया की 77% बढ़ रही है। तो दूसरी कंट्रीज, अगर यूएसए की बात करें, यूएसए की सिर्फ 1% और चाइना की बात करें तो चाइना की 3%। अगर आप सिर्फ IT की एक्सपोर्ट देख लें तो वो ही कई मुल्कों से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है इंडिया की IT की, तो कोई मैच ही नहीं है इंडिया का किसी भी और मुल्क। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले कुछ दिन पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच खेला गया था जिसमें अफगान के फरीद ने आसिफ अली का विकेट लिया और उसने जब उसका सेलिब्रेशन किया तो आसिफ अली ने उनके ऊपर बल्ला तान दिया। और इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये अफवाह उड़ा रही है कि जो अफगानिस्तान है हमारे यहाँ से सीखते हैं और वो हमें गालियाँ देते हैं स्टेडियम के बीच में, यानी कि वो हमारे लिए भारत से भी बढ़ के दुश्मन बन चुके हैं। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम ने भी यह साबित कर दिया कि भारत वर्ल्ड का सुपर पावर बन चुका है। दोस्तों, जहां पे UAE की ग्रोथ केवल 1% है और चाइना की ग्रोथ केवल 3% है, वहीं पे भारत की ग्रोथ 7% से भी अधिक है। इस पे पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखने लायक है, वो किस तरह से जल रहे हैं भारत के ग्रोथ को लेके। आइए पूरा वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानियों का इस पे क्या रिएक्शन होने वाला है। इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसएंगेजमेंट हो रही है PP-15, ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हो रही है, यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरतहाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई सामने, ठीक है, लेकिन ये खबर जो है, हम यहाँ पे हिंदू को कोट कर देते हैं, लद्दाख स्टैंड ऑफ जो कि 8वीं न्यूज है हमारी, इंडिया चाइना अनाउंस डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP-15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है और हिंदुस्तान टाइम्स इसको ब्रेक कर रहा है इन ब्रेक थ्रू, जो 6वीं न्यूज है हमारी, के इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स किक ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP-15। ये बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझे ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसएंगेजमेंट हो रही है। अच्छा, डिटेल इसकी नहीं पता कि कैसे नतीजे में डिस एस्केलेशन होगी, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या होगा, लेकिन ये उस वक्त हो रही है जबकि जापान में जयशंकर और राजनाथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के, और जापान में 2+2 हो रहा है और जाहिर है कि चाइना वहां डिस्कस हो रहा है, और ये भी वहां बात की जा रही है कि इंडिया और जापान मजीद ड्रिल्स करेंगे आने वाले दिनों में, फौजी ड्रिल्स करेंगे, लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब ये वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये शी जिनपिंग, प्यूटिन, इन सब ने मिलना है SCO में, और SCO में इन्होंने मिलना है यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो दो मीटिंग्स हैं, एक तो ये कि शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग क्या होती है, होती है तो कैसे होती है, और फिर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होती है तो कैसे होती है, पाक इंडिया, ठीक है ना, पाक इंडिया मुलाकात क्या होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की, और क्या शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होती है, बाकी शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ साहब या शी जिनपिंग और सॉरी प्यूटिन और शहबाज शरीफ साहब मैटर नहीं कर रहे, और या प्यूटिन और मोदी भी मुलाकात मैटर, ये दो कर रही है, इंडिया चाइना और पाकिस्तान और इंडिया,
और ये समरकंद में हो रही है मुलाकातें जी, और इसकी तैयारियां भी भरपूर अंदाज में शुरू हो गई हैं। रिसेंटली न्यूयॉर्क ने अपना, न्यूयॉर्क टाइम कभी कभी अच्छी न्यूज़ देता है, अभी रिसेंटली उन्होंने खबर दी कि इंडिया की जो उनसे GDP है, जो उनसे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके मुताबिक इंडिया के 77% बढ़ रही है। तो दूसरी कंट्रीज, अगर USA की बात करें, हम USA के सिर्फ 1% और चाइना की बात करें तो चाइना की 3% इस कदर बढ़ रही है। लेकिन अभी रिसेंटली IMF ने भी अपने एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बैंक करप्ट हो सकती हैं, लेकिन इंडिया नहीं हो सकता। क्या वजूहत है कि इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग होने के पीछे कौन सी ऐसी पॉइंट्स है कि जो पाकिस्तान के पास नहीं, जो अदर कंट्रीज नहीं रखती, क्या वजूहत है? बड़ी मज़ेदार बात है कि देखें, जैसे आपको पता है रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, अमेरिकन सैंक्शंस ने हर यूरोपियन कंट्री को बांध दिया कि आपने यूक्रेन से कोई ट्रेड नहीं करनी। इस दौर में अगर आप सिर्फ इंडिया की डिप्लोमेसी देखें कि उसने एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें वो आज भी रशिया से तेल ख़रीद रहा है और वो इतने सस्ते दामों ख़रीद रहा है कि उसका मुकाबला ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपने कोई ब्लॉक में नहीं गए, आप रशियन या ईस्टर्न ब्लॉक में नहीं आए, आप वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं गए, आपने एक अपना ब्लॉक बना लिया जिसका नाम है इंडिया। तो एक सेपरेट आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, फिर आप स्टैंड आउट करते हैं। जब आप किसी के पीछे नहीं लगते, आप किसी को जवाब दे नहीं हैं, जब तक आप अपने पैरों पे अपनी GDP इंप्रूव नहीं करते, आप नहीं आगे बढ़ सकते। एक पार्ट होता है कि आपकी कंट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है, और एक चीज़ होती है जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनसाइड योर बाउंड्री। आज आप देखें इंडिया अपने इंडिया की, अगर आप सिर्फ IT की एक्सपोर्ट देख लें तो वो ही कई मुल्कों से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है इंडिया की IT की, तो कोई मैच ही नहीं है इंडिया का किसी भी और मुल्क से। तो इंडिया अगर सिर्फ IT के बेस पर चलता जाए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक, आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, आज iPhone 14 का लॉन्च हुआ है। iPhone 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है उन्होंने चाइना से निकाल के इंडिया में कर लिया, अब उसकी चेन्नई में स्टार्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग। जब दूसरी फर्म्स आकर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो आपकी GDP कहाँ से कहाँ चली जाती है, उसका मुकाबला ही नहीं है। नहीं, कल जो मैच हुआ, अफगानिस्तान बड़ा अच्छा प्ले कर रहा था, अफगानिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अफसोसनाक वहाँ पे वाकया पेश आया। और ये कहने पे हम मजबूर हैं कि हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे माली तौर पर, चाहे जब उनके अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी हुई थी और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी। लेकिन कल अफगानिस्तान के जो प्लेयरों ने जिस तरीके से आसफ अली के साथ बदतमीजी की है, आप यकीन माने हमारे दिल अफगान लोगों के साथ धड़कते थे, हमने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, हमने उनके लिए जंग लड़ी। लेकिन कल देख के ये लग रहा था कि जैसे अफगान कोई ऐसे लोग हैं जो हमारे से इतने तो हमारे से इंडिया नफरत नहीं करता, इतनी तो इंडियन को हमारे से नफरत नहीं, जितनी अफगानिस्तान ने हमारे साथ ये कल हर। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत इस समय अपनी पूरी दुनिया में नाम को अपने सबसे आगे ला रहा है, और उसके पीछे UAE चला गया और चाइना चला गया, क्योंकि भारत की ग्रोथ चाइना और UAE से भी आगे जा चुकी है। जहां पर UAE की ग्रोथ केवल 1% है और चाइना की ग्रोथ 3% है, वहीं पर भारत की ग्रोथ 7% से भी अधिक है। दोस्तों, भारत अपने IT के क्षेत्र से ही इतना ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है कि कई ऐसे मुल्क हैं जिससे भारत काफ़ी ज़्यादा IT के क्षेत्र में भी आगे जा चुका है, जबकि वो क्षेत्र IT के क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे, जो वो मुल्क थे उनसे भी भारत आगे जा चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।